नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वन पेज पर। आज हमारा टॉपिक है पीपल प्लांट की बॉन्साई किस तरह से बनाई जाए। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, काफ़ी एक मैच्योर ट्रंक वाला पीपल का पौधा है जो बड़े से गमले के अंदर है, करीब करीब 10 इंच के आसपास का पॉट है। तो आज हम इस पौधे को यहाँ से निकालेंगे और इसको एक बॉन्साई ट्रे में शिफ्ट करेंगे और इसकी एरियल रूट्स वगैरह भी चेक करेंगे और इसकी रूट्स भी चेक करेंगे, ट्रिमिंग कितनी ज़रूरी है या नहीं है, सबके ऊपर काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 24 गौरव सिंह, और वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। सबसे पहले बड़े से पॉट के अंदर से हमें निकालना होगा, और जैसा कि रेनी सीजन चल रहा है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो मैं उस पार्ट को स्किप करता हूँ और सीधा आपको प्लांट निकाल के बताता हूँ। करीब करीब 5 मिनट लगे हमें इसे निकालने में। हमारा पीपल ट्री रेडी है दोस्तों, 90% इसकी सॉइल रिमूव हो चुकी है। अब दोस्तों 10% सॉइल वाटर को निकालने देते हैं, जिससे हमें रूट्स काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। हमने रूट्स सारी वॉश कर दिए और काफ़ी अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा इसका स्ट्रक्चर है, इसका कैनोपी है। बट दोस्तों रूट्स थोड़ी सी इसकी अजीबोगरीब डेवलप हुई है, बड़े से पॉट के अंदर था तो हमें पता ही नहीं चला किस तरह से इसकी रूट डेवलपमेंट हुई। तो सारी रूट्स इस तरफ जा रही है और इन बड़ी बड़ी रूट्स को कट करना हमें चाहिए या नहीं चाहिए वो हम थोड़ी देर में चेक कर लेंगे। वो हम पॉट में लगा कर देखेंगे, अगर रूट्स कट करनी होगी तो कट कर देंगे। वैसे अगर एक दो रूट यहाँ पर होती तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसकी एरियल रूट काफ़ी अच्छी बन जाती। बट फिलहाल हमें इसकी थोड़ी सी रूट ट्रिमिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर वाइट कलर की रूट्स भी नज़र आ रही है, इसका मतलब है रूट्स में अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग रूट्स को कट कर देंगे। दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रूट ये वाली अवेलेबल है जो इस तरफ जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम इस रूट को मोटी करेंगे दोस्तों। और चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं और हमारे प्लांट को लगा देते हैं। एक बार पॉट के ऊपर नज़र डालिए दोस्तों, इस तरह का राउंडेड शेप में पॉट है और इसकी ड्रेनेज भी कर रखे हैं, टेराकोटा का पॉट है जिसके ऊपर इन फ्यूचर हम कलर भी कर सकते हैं। चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं। बेस पर हम सबसे पहले न्यूज़पेपर लगाएंगे, उसके बाद हम सैंड डालेंगे जिससे हमारी सैंड बाहर ना निकले। आधे इंच की लेयर हमने सैंड की मिला दी है, अब इसमें थोड़ी सॉइल ऐड करेंगे हम, और सॉइल का रेशियो है दोस्तों 50% सैंड है और 50% सॉइल है हमारी। हमें इस तरह से एक माउंटेन बनाना है और उसके ऊपर हम प्लांट को रखेंगे। आने वाले समय में दोस्तों ये जो पतली पतली रूट्स है ये काफ़ी मोटी हो जाएगी, उसके बाद हम इन बड़ी बड़ी एंकर रूट्स को कट कर देंगे और यहाँ पर भी फाइब्रस रूट का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब सॉइल लगा के भर देते हैं हमारे प्लांट को, यहाँ पर ये रूट्स है ये आने वाले समय में मोटी हो जाएगी। हमारा पीपल का प्लांट बॉन्साई ट्रे में लग चुका है दोस्तों, और ये काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा आने वाले समय में। जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएगी हम एक अम्ब्रेला पैटर्न में इसको बनाएंगे, क्योंकि इसका सारा का सारा फोकस टॉप पर ही है और नीचे की तरफ एक भी कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले समय में इन ब्रांचेस के ऊपर काम होगा, पहले इसकी अच्छी ग्रोथ होने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी न्यू लीव्स डेवलप हो रही है और यहाँ पर बड़ी बड़ी लीव डेवलप हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और ये ज़रूर बताइएगा हमारा पीपल बॉन्साई कैसा लगा, और क्या आपके पास भी एक पीपल का प्लांट है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।